यूपी की कैसरगंज सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व ने ब्रजभूषण की जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह या बेटे प्रतीक भूषण को मैदान में उतारने का भी ऑफर दिया, लेकिन बीजेपी सांसद खुद ही कैसरगंज से मैदान में उतरना चाहते हैं। ब्रजभूषण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण की जगह उनके किसी नजदीकी को टिकट देना चाहती है, ताकि चुनाव के दौरान ब्रजभूषण को लेकर कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि रायबरेली, कैसरगंज, मैनपुरी समेत 12 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 12 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने विकल्प रखा था कि वो अपनी जगह अपनी पत्नी केतकी, बेटे प्रतीक या फिर किसी अपने अन्य करीबी को चुनाव लड़ने दे, लेकिन इससे ब्रजभूषण सहमत नहीं हुए। पिछले महीने की शुरुआत में आई बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी से कई दिग्गज नेता सामने आए, लेकिन उसमें ब्रजभूषण को जगह नहीं मिली। इसके बाद जब यूपी को लेकर एक और लिस्ट आई तो उसमें भी कैसरगंज सीट के उम्मीदवार का नाम गायब रहा। ऐसे में साफ हो गया था कि बीजेपी लीडरशिप ब्रजभूषण सिंह की जगह किसी और को टिकट देना चाहती है। बीजेपी यूपी में बचे 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 10 अप्रैल से पहले कर सकती है। इसके लिए यूपी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों वाली अपनी रिपोर्ट भी लीडरशिप को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार ब्रजभूषण के पीछे नहीं हटने की बात भी लीडरशिप को बता दी गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।